उत्साहित होगा। अगर आपके घर में एक भी दीन का माहिर होगा, उसके अंदर भी गैरत ईमानी होगी, वो अपनी बहन को कभी किसी खुले के किसी खुले सांड के हाथ में हाथ देकर बाजारों में घूमता हुआ गवारा नहीं कर सकता। अगर आपके घर में दीन का माहिर होगा, अगर गैरत ईमानी होगी, तो कोई भी अपने बेटियों को रास्तों में अकेले तना चलने की इजाजत नहीं देगा। मामला चाहे जरा देख रहे थे, ये कुफार लोग, ये बदबख्त लोग, इनका एक ही टारगेट है, हम मुसलमानों को हरा नहीं सकते, हम मुसलमानों को पछाड़ नहीं सकते, हम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते, मगर ये लोगों को शिकस्त देना है तो इनकी बेटियों पर हमला करो, इनकी बहनों पर हमला करो, इनके माओ की सब आबरू पर हमला करो। यही हाल हो रहा है, हर एक दिन जाता है, एक हमारी बहन जो काफिरों के हाथ में हाथ डालकर बाजारों में घूमती हुई नजर आती है, हमारे एक दिन नहीं जाता, हमारी मार बहने एक काफिरों के हाथ में गले से गले गले में हाथ डालकर बाजारों में घूमती नजर आती है। क्या आपकी गैरत जागती नहीं है? क्या आपकी गैरत ईमानी गवारा कैसे करती है? आप एक बाप हो, आप एक भाई हो, आप एक शौहर हो, किस तरीके से आप ये रवैया अख्तियार कर सकते हैं अपने औरतों के मुताबिक? जरा अपने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। अल्लाह ने तुम्हें भाई बनाकर भेजा है सिर्फ अपने मर्दान के दिखाने के लिए, अपनी औरतों की हिफाजत के लिए। हम क्या करते हैं? हमारी मर्दान की ताकत दूसरों पर आजमाते हैं, हराम कामों पर आजमाते हैं मर्दान की ताकत। यहां पे आजमाओ ना, आपकी बहन किसी कुफार के हाथों में हाथ डालकर चल रही है, शर्म नहीं आती आपको? जब इस पे भी शर्म नहीं है तो अल्लाह के अभी फरमाता है, फरमाते हैं अल हया व शौबतुन मिन अल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है। अगर आपके अंदर शर्म नहीं है तो समझो कि ईमान में कमजोरी है। आप चाहते हो आपकी बेटी किसी गैरों के बिस्तरों की जीनत बने? चाहते हो आप कि आपकी बहन किसी गैरों के बिस्तरों की जीनत बने? मुसलमानों जरा आप आज भी होश के नाखून लो, ये जितनी भी हमारी बहनें काफिरा हो रही है, काफिरों के साथ निकाह कर रही है, अफसोस ये उनके भाई का सिला होगा, या फिर उनके शोहर का सिला होगा, या फिर उनके बाप का सिला होगा, ये कर्ज है आपके ऊपर। अगर आप आज किसी की बहन के साथ गलत काम करेंगे, अल्लाह ये कर्ज लेता है, कल तुम्हारे बहन के साथ भी कोई ऐसी करेगा। आप अगर किसी बेटी के साथ करेंगे, कल तुम्हारी बेटी के साथ भी किया जाएगा। जिसके घर में ये मामला हुए वो अपना जायजा लो, तुमने कहां पे बदनिगाही की थी कि आज तुम्हारी बेटियां इन कुफारों के हाथों में चली जा रही है। सबसे बड़ा ये है कि इसमें को एजुकेशन का मामला सबसे ज्यादा है।